झारखंड के देवघर जिले के त्रिकुट पर्वत पर हुए रोप वे हादसे को 20 घंटे बीत चुके हैं और लोगों को रेस्क्यू करने का कार्य लगातार जारी है। चॉपर से लगातार प्रयास किया जा रहा है, ऊपर फंसे लोगों को ड्रोन और रस्सी के माध्यम से खाना और पानी दिया जा रहा है। आपको बताते चलें कि कल 4 बजे से ही करीब 48 लोग फंसे हैं, जिसमें छोटे बच्चे, पुरुष और कुछ महिलाएं भी शामिल हैं और कुछ स्थानीय लोग भी हैं जो गाइड का काम करते थे, कैमरा चलाने का काम करते थे एवं पर्यटक भी फंसे हैं। रेस्क्यू टीम पूरे प्रयास में है, लेकिन अभी तक रेस्क्यू करने में सफल नहीं हुई है। इससे रेस्क्यू टीम में NDRF और एयरफोर्स की टीम को लगाया गया है, जबकि 2 MI-17 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू में लगाए गए हैं। देवघर के सांसद निशिकांत दुबे के मुताबिक अभी तक 48 में से 30 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि 18 लोगों को निकालने का प्रयास जारी है। तो कैसा लग रहा था आपको? बिल्कुल डर सा महसूस हो रहा था। हाँ, लेकिन हम लोग बराबर जो है हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रहे थे। हाँ, इन लोग को भी लगातार प्रयास रहा था, हम लोग से बात कर रहे थे। हाँ, और ठीक समय पे हम लोग को बराबर अच्छा जानकारी दे रहे थे। समय समय पे हम लोग को पानी और बिस्किट भी मिल रहा था। हाँ, हम लोग हौसला रखे हुए थे, दौड़ से रखे थे, बचा नहीं। मैं मेहनत से वापस आना शुरू हो गया है, अब कोई घबराने की बात नहीं। कितने अभी तक आ गए हैं वापस? अभी तो 8-10 आ गए। 15 आ गए। और कितने बचे? और वहाँ अभी भी 33 लोग हैं और 2 हेलीकॉप्टर्स लगे। सर, रोपे में घायल हुए लोगों के लिए सरकार क्या करेगी? सरकार का जो नियम है, नियम के अनुसार उसका इलाज होगा। यहाँ एक ट्रॉली जो है थोड़ा सा डिस्प्लेस होने की वजह से अभी रोपे बंद है, और जिसकी वजह से 2 लोग इंजोर हुए थे जो हम लोगों ने रेस्क्यू करके ऑलरेडी हॉस्पिटल भेज दिया। और भी कुछ लोग रोपे में है, तो हमारी NDRF टीम है और हम लोग NDRF के जो सीनियर्स हैं उनसे भी कंसल्ट कर रहे हैं और इन सभी लोगों को हम लोग जो है इवैक्यूएशन करेंगे। मेरे पड़ोसी हैं इंजीनियर अमित कुमार, उनके पूरे परिवार, माँ पिता और वो खुद और उनकी वाइफ और एक छोटे बच्चे हैं, वो सभी फंसे हुए 2 ट्रॉली में वो लोग हैं। कल सुबह तक उनसे संपर्क हो पा रहा था कि अभी तक पानी नहीं पहुँचा है, पानी पहुँचा दो, लेकिन अभी तो संपर्क टूट गया, शायद उनका मोबाइल ऑफ हो गया होगा या फिर उतना ऊपर नेटवर्क नहीं मिल रहा है। यहाँ तो NDRF और सब सेना के जवानों से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो उन्होंने कहा कि वहाँ तक पानी पहुँचाया नहीं जा पा रहा है। इसमें जाँच वगैरह होते रहना चाहिए, जिसके कारण जाँच वगैरह नहीं हुआ, जिसके कारण कुछ त्रुटि जो आई है ये बहुत निंदनीय है। दुखी हम लोग दुखित हैं। आप पर्यटन मंत्री थे उस समय, की क्या स्थिति थी? अभी क्या? काफी स्थिति सुंदर स्थिति में था, नया था, सब चीज था, लेकिन अभी जो स्थिति देख रहे हैं उसमें थोड़ा कमी है और हम लोग चाहेंगे कि इसको दुरुस्त करके पूरा जो है बजाबते जो है व्यवस्था करके, और जब तक ये पूरा मरम्मती दुरुस्त जब तक नहीं हो जाता है, टेक्नीशियन आ करके उसको बढ़िया से चेकअप वगैरह नहीं कर लेता है, तब तक जो है अभी रोपवे जो है चालू नहीं होना चाहिए। क्या लगता है कैसे ये लापरवाही हुई है? ये लापरवाही इसमें तो विभाग का लापरवाही है, जो इंजीनियर है, जो टेक्नीशियन है, उसका लापरवाही है। एरोप्लेन जब चलता है पर डे उसका चेकअप होता है तब जो है उड़ान भरता है, उसी तरह यह भी जो है चेकअप हो करके और चलाना चाहिए। हाल में भी एक बार हुआ था, जिसमें लापरवाही हुई है, जिसमें लापरवाही हुई है और जो लापरवाही किए हैं।